सही से बात तो करने थी ना यार, और चुप करो यार, खामोशी। अरे ओ चाचा बस कर दे, बस कर यार, है कमर ना टूट जाए इसको, देखो तो यार। साईं बेबी का फोन आ रहा है। अरे मेरी बेबी है ना, तेरी कहां से बेबी है, तेरी तो भाभी हुई ना। यार चांटी उन्हीं से बात किया कर यार, हर जगह बेबी बेबी, जस्टिन बीबर की औलाद। हाँ जानू, आयशा कहाँ रह गए हो तुम, हमें आज मिलना था। अरे आज मिलना था, ओहो, बस है ये, टेंशन ना लो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अरे चांटी गाड़ी निकाल। सही आवाम तो आपके लिए आई है ना। अरे आवाम मेरे लिए नहीं आई, ये 500 और खाने के लिए आवाम आई है, बहन को वोट पक्का है। ओए ये दे पैसे, ये गड्डी बांट दे, वोट मिल जाएगा, तू निकल। कुछ नहीं सुनना मुझे, I'm so done with you. अरे इलेक्शन हो रहे थे ना यार, पूरा दिन उसमें बिजी लगा था मैं। कौन सा इलेक्शन, तुम्हें पता है गवर्नमेंट ने तुम्हारी 40 डिग्री के केस पे इंक्वायरी बिठा दी है, तुम डिस्क्वालिफाई हो चुके हो। अरे इस केस को तो ऐसे खत्म करूंगा जैसे मिडिल क्लास की इनकम खत्म होती है, इसकी टेंशन मत लो तुम। अदा वेटर, मैडम को कोई थादल पिलाओ। वो वेटर नहीं है, वो मॉप लगाने वाला है। बात सिर्फ केस की नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी MPhil की डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ और मुझे पता तक नहीं है कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है। भटियाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में MBBS किया है ना, मेरे चाचू एजुकेशन मिनिस्टर हैं। वैसे तुम्हें भी कोई पसंद की डिग्री है तो बताओ, दिला दूंगा। मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहती हूँ, और वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। महीने का कुछ राशन दो, अच्छा ही सोचेंगे हमारे बारे में। पैसों से इज्जत नहीं कमाई जाती। पैसे भी इज्जत से नहीं कमाए जाते। मेरे बाबा ने मुझे ईमानदारी सिखाई, मेरे बाबा ने मुझे फुल बेईमानी सिखाई है। मैं तो ये चोर पुलिस वाली गेम में ना चोर को रिश्वत देता था कि भाई मुझे ना पकड़ना। पकड़े तो तुम जाओगे और सीधा जेल जाओगे। ये जेल गरीबों के बच्चे जाते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ स्विट्जरलैंड जाऊंगा हनीमून पे। पता है क्या, तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए मैं गोल्ड प्लेटेड लैंड क्रूजर देने वाला हूँ तुम्हें। आई एम सो सॉरी शाहनवाज, लेकिन इस दफा मैं वाकई में जा रही हूँ। शाहनवाज, अगर तो आयशा तुमसे सच्चा प्यार करती है ना, तो वापस जरूर आएगी। आयशा आ जाओ, 3, 2, 1। धक्का जी, पूरा मूड खराब कर दिया। बस गवर्नमेंट ने आपका नाम सेल में डाल दिया, जब तक आपके केस सोल्व नहीं होंगे आप मुझे छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। सोचा था शाह विलियम्स और भाभी केट के लिए सिंधड़ी आम की पेटी ले जाऊंगा, पूरा प्रोग्राम खराब कर दिया इन्होंने। ये काम कर, ये वकील से बोल के, ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, इससे मेरी मीटिंग तय करा। पेमेंट तो पूरी सही है, दूसरा बैग भी मेरे लिए। क्या बात है, ज़्यादा फ्री ना हो, ये वो इन्वेस्टिगेशन अफसर के लिए कासिम शाह जो भी है। कासिम शाह को रिश्वत दोगे? हाँ क्यों नहीं, कासिम शाह वो सिंधी है जो सिंध में मेरिट का निज़ाम लाना चाहता है, मगर करप्ट सियासतदान और जागीरदार उससे तंग हैं, उससे रिश्वत देने की गलती मत करना। अस्सलाम वालेकुम साईं, अजरक तो सफा सूट कर रहा है।
सही छोटा सा 60 दिन 60 दिन में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जमा करा दो, कोई वर्क एक्सपीरियंस पेपर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जिससे तुम्हारा मेरिट साबित हो जाए। और हाँ, जाली कागज नहीं जमा कराना, नहीं तो क्या है ना, मुझे सिंध को साफ करने का एक और मौका मिल जाएगा। सही, कोई और कागज चलेगा क्या? कैसा कागज? अरे सही, वही कागज जिसपे कायदे आजम का फोटो बना होता है। ये वाला कागज पहले ही दे देते, इतनी बात ही नहीं होती। ये आ गई पिक्चर। अच्छी है। वो क्या है ना, जज साहब अगर सबूत मांगे तो उसमें काम आएगी। सही, शाहनवाज भाई से गलती हो गई, एक मौका दे दे। सही, 2 महीने के अंदर कागज जमा करा दे। 30 दिन के अंदर अंदर अगर असली डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कराए तो लड़काने का उम्मीदवार शाहनवाज जेल में होगा। कहा था ना रिश्वत मत देना। कोनिया था ना मारना यार। सही, आप रो रहे? क्यों रो रहा होगा, जाके मुंह धो गया। खैर छोड़े साईं, मेरे पास ऐसी न्यूज है जो आपको एकदम हैप्पी कर देगी। ईसीएल से नाम हट गए क्या? नहीं सही, एक कंपनी से जुगाड़ करके आपकी इंटर्नशिप करा दी, और 1 महीने के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो भी असली वाला, जाली वाला नहीं, जिसे कासिम शाह को दिखा के हम केस खत्म करा लें और मंडे को आपकी ज्वाइनिंग है। ये आपका कार्ड है। अरे ठीक का थी वकील, ये तुझे इतने पैसे इसलिए दिए थे ताकि ये तू फ्रेंडशिप करा मेरी। फ्रेंडशिप नहीं सही, इंटर्नशिप। हाँ सही है, बाप को मत सिखा। अब यही एक रास्ता बचा है, बाकी आपकी मर्जी। लख जी लानत है। ये शाम तक हो जानी चाहिए। सीरियसली, मेरे पास इतना काम है, मैं 3 बंदों का काम कैसे करूं? हेल्प चाहिए तो इंटर्न से ले लो। कौन इंटर्न? अरे बाबा, एसी का बिल भरेंगे तो चलेगा ना? बिल भरेंगे। अधिचाला, मैं सिर्फ शाहनवाज। हाँ सही, तो ये थी हमारी पहली एपिसोड। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट शेयर कर दे। बाकी इंतजार करें, अगले हफ्ते दूसरी एपिसोड भी आएगी। जाए करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब।